देहरादून में भर्ती घोटाले की जांच को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में सितारगंज में नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मुख्य चौराहे पर उत्तराखंड की भाजपा सरकार का पुतला फूंका। वही कांग्रेसियों का कहना है कि पुलिस ने सरकार के इशारे पर बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज की घटना को अंजाम दिया है। सब जगह कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसी के विरोध में आज सितारगंज चौराहे पे पुतला फूंका गया। ये सभी जगह प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उन युवाओं के समर्थन में कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है, बेरोजगारों के साथ खड़ी है। किसी कीमत पर भी उन बेरोजगार युवाओं का, उत्तराखंड के नौजवानों का कहीं भी अत्याचार नहीं होने देंगे। उनके ऊपर पुरजोर लड़ाई कांग्रेस लड़ने का काम करेगी। अपने होश और आवाज सब कुछ खो बैठी है भाजपा सरकार। जो युवाओं के खिलाफ जो अपने शांतिपूर्ण जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, एकदम रातों रात उन पर लाठियाँ बरसा के, उन पर पेट की मार करके उनको जो मारा गया, युवाओं पर जो अत्याचार करा गया, उसके लिए कांग्रेस पार्टी उन युवाओं के साथ खड़ी है। उनके साथ अत्याचार नहीं होने देंगे हम।